हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ पार्थिव शिवलिंग बनाकर, बर्फ की शिवलिंग। तो जहाँ पर मिट्टी नहीं मिलती है तो आप इस तरह बर्फ की शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। सावन सोमवार में, शिवरात्रि में, जब भी आप इसी तरह शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं, एकदम सरल और आसान तरीका से। तो फिर जो मैंने बर्फ जमा लिया है और इसी का मैंने पूजा किया, तो देखिए, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज मैंने इसी तरह से बर्फ का शिवलिंग बनाकर पूजा किया है और दो लोटा से जल डाले। तो सावन सोमवार और शिवरात्रि में इसी तरह मैं पूजा करती हूँ, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपके यहाँ मिट्टी नहीं मिल रही है, सबसे पहले हम एक थाली ले लिए, इसमें स्वास्तिक बना लिए। अब हम एक बेलपत्र रख देंगे चंदन टीका लगाकर। उसके बाद देखिए, हमने बर्फ से शिवलिंग बनाए हैं, इस तरह से रख लेंगे। देखिए, मैंने शिवलिंग बना लिया है। तब हम एक लोटा जल ले लेंगे, इसमें हमने गंगा जल और अक्षत तिल सब डाल लिए हैं। इससे हम पहले जल से स्नान करवाएंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तु, ओम श्री शिवाय नमस्तु, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तब हम एक गिलास में दूध ले लिए, इसमें हमने भांग, दूध, दही, घी, मधु, मिश्री से पंचामृत बना लिए और थोड़ा भांग डाल लिए हैं। तब हम दूध से स्नान कराएंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर हम जल से स्नान कराएंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तब हम चंदन टीका लगाएंगे, पीला चंदन। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब इस तरह ओम बना देंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब हम लाल चंदन से टीका कर देंगे। अब हम अबीर लगा देंगे। अब हम वस्त्र पहना देंगे। तो हमने देखिए थाली में सब कुछ सजा लिया है। तो हम पहले भांग चढ़ाएंगे। भांग समर्प्यामी, अक्षत समर्प्यामी, जौ समर्प्यामी। अब हम ये भस्म लगा देंगे। भस्म समर्प्यामी, तिल समर्प्यामी। अब हम मिश्री का भोग लगा देंगे। मिश्री समर्प्यामी। तब हम चना दाल चढ़ा देंगे, इस तरह से चना दाल समर्प्यामी। अब हम गुड़ का भोग चढ़ा देंगे, समर्प्यामी। अब हम थोड़ा कपूर भी चढ़ा देंगे। तब हम इस तरह गणेश जी का जगह में टीका लगाएंगे, कार्तिक जगह का टीका लगाएंगे। ये लाल चंदन है। अब यहाँ अशोक सुंदरी जगह में हम टीका लगाएंगे। तब हम बेलपत्र में इस तरह ओम और राम लिखकर बेलपत्र चढ़ा देंगे। बेलपत्र समर्प्यामी। अब हम पुष्प चढ़ा देंगे, पुष्प समर्प्यामी। ये ब्लू फूल है अपराजिता का, चढ़ा देंगे। कनेल फूल चढ़ा देंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पुष्प समर्प्यामी, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पुष्प समर्प्यामी। और ये सफ़ेद फूल चढ़ा देंगे, पुष्प समर्प्यामी। अब हम ये धूप घास चढ़ा देंगे। ओम दुर्वा समर्प्यामी, ओम पुष्प समर्प्यामी, ओम पुष्प समर्प्यामी। अब हम ये दो लौंग, दो इलायची चढ़ा देंगे। तब हम रुद्राज की माला पहना देंगे। तब हम इसमें मूंग दाल चढ़ा देंगे। तो आपके पास जो भी भोग को चढ़ा दे, तो मेरे पास ये आम रखा हुआ था, मैंने आम चढ़ा दिए हैं। तब हम समी पत्र में मधु लगा के सटा देंगे, समी पत्र समर्प्यामी बोलकर। ओम श्री शिवाय नमस्तु, ओम श्री शिवाय नमस्तु, ओम श्री शिवाय नमस्तु। कपूरम गौरम करुणा अवतारम संसार संहितम सहित भगवान भगवान तथा मधु भगवान विष्णु गुरु के सब प्रकार के तरह तरह तथा श्री गुरु के नाम। तब हम धूप दीप चढ़ा देंगे और हम धूप भी दिखा देंगे। ओम श्री शिवाय नमस्तु, ओम श्री शिवाय नमस्तु, ओम श्री शिवाय नमस्तु, ओम श्री शिवाय नमस्तु, ओम श्री शिवाय नमस्तु। तो देखिए, मेरी शिवलिंग की पूजा हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, शंभुनाथ, पशुपतिनाथ, जय केदारनाथ, बद्रीनाथ।